नमस्कार दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के सामने लेके आ चुके हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा, लगेगा तो वीडियो को दबा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं पेपर कटिंग की ओर, साथ ही ऑफिशियल नोटिस की ओर। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कंसेप्ट हो, बोर्ड हो, जेई नीट हो, पढ़ाई में किसी भी प्रकार का डाउट हो, उसका सलूशन है फिलो ऐप। जो भी डाउट आ रहा है, सबसे पहले उसका 3 स्टेप में सलूशन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले से या ऐप स्टोर से फिलो ऐप। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना होगा। उसके बाद उस क्वेश्चन का फोटो खींच लेना है या लिख लेना है टाइप करके। 60 सेकेंड में आपका जो इसका सलूशन मिल जाएगा लाइव क्लास के साथ। इस कोड को यूज कीजिएगा तो 10% का छूट मिलेगा और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप सभी के सामने पेपर कटिंग आ चुका है। इसमें देखिए बीए एलएलबी बीकॉम एलएलबी में दाखिले, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जूम कर लिए, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप सभी के सामने जो है पहली मेरिट लिस्ट जारी होगा आज। तो कैसे आपको मतलब बीए एलएलबी का डाउनलोड करना है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसके लिए करना क्या, गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको ऑफिशियल वीडियो सर्च करना है। इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में आपको सामने देखने को मिल जाएगा सीसीएसई ऑल कोर्सेज रिजल्ट एंड मैट मार्कशीट डाउनलोड। आपको इसी पे क्लिक करना है, क्लोज या ओपन का बटन मिलेगा, क्लोज करना है और सबसे नीचे जाना है। जब भी आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना हो, रिजल्ट चेक करना हो, सबसे नीचे जाना है, बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। देखिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरिट की तरफ से सीसीएसयू फर्स्ट मेरिट लिस्ट बी एल एल बी बी कॉम एल एल बी, यहाँ पे देखते हैं 2 तारीख को। और डाउनलोड, अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, और नोटिस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो आप सबसे पहले आप नोटिस को समझ लीजिए, उसके बाद अपना जो है कि ऑफर लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, फटाफट विजिट करें। जितने भी दोस्त लोग इंतजार कर रहे थे बी एल एल बी का मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कई कोर्सों का रिजल्ट भी जारी, तो उसके लिए करना क्या, आपको गूगल में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे ये सीसीएसयू के फर्स्ट नंबर सेक्शन पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आप सभी के सामने हम शेयर करने वाले दोस्तों, बने रहे वीडियो पे और आप सभी के सामने लाइव दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चौधरी चरण यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑल कोर्सेज रिजल्ट जो है चेक नाउ बटन, यहाँ पे आप क्लिक करके बिल्कुल आसान तरीके से जो है सभी कोर्सों का रिजल्ट चेक कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे देखने को मिला है। और खुश यहाँ पे देख सकते हैं यूजी में दूसरी ओपन मेरिट से प्रवेश का अंतिम दिन आज आपको देखने को मिला है। पीजी में ऑफर लेटर जमा करें आज, यानी कि आज तक जो है आप ऑफर लेटर जमा कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दाखिले ना मिलने पर छात्र प्रदर्शन, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये रहा दोस्तों कुछ खास पेपर कटिंग जिसमें लिखा है दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी। यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है ऑफर लेटर, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ खास जानकारी हम इसको आप सबके सामने। प्रथम मेरिट लिस्ट में आने वाले जो भी छात्र छात्राएं एडमिशन नहीं लेंगे उनका नाम फिर ओपन मेरिट लिस्ट में ही आएगा। यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि जिसका भी नाम नहीं आया तो प्रथम मेरिट लिस्ट में या नहीं एडमिशन लिए होंगे तो उन सबका जो है ये जानकारी दोस्तों आप सभी के सामने देख सकते हैं। इस पेपर कटिंग को आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, उसका सारा जानकारी आप सभी के सामने देखने को मिल जाएगा। सभी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए दोस्तों ऑफिशियल नोटिस आप सभी के सामने शेयर करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं आप सभी के सामने आ चुका है बी एल एल बी 3 वर्षीय वगैरह का जो भी है बी कॉम का, उसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे जो है लॉग इन आई डी करके अपना फोल्डर डाउनलोड करके कॉलेज में जमा कर सकते हैं। कब से कब तक एडमिशन होगा, क्या प्रक्रिया से भी जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों पहला ऑफिशियल नोटिस। अब चलते हैं दूसरा ऑफिशियल नोटिस और दूसरा ऑफिशियल नोटिस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं जो एग्जाम होने को था, देखिए आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं का हरदा कारण बस स्थगित किया गया। ये ऑफिशियल नोटिस की माध्यम से जानकारी को शेयर कर दिया गया दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेगा। तीसरी ऑफिशियल जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी के सामने देखने को मिल जाएगा। जो भी हैं बीएड 2019 के प्रथम वर्ष के लिए जो भी रिजल्ट घोषित किए गए हैं वो यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। सभी जानकारी को यहाँ पे लिखा है और बिल्कुल आसान तरीके से आप देख पाएंगे। फिलहाल हमने आप सभी के सामने जूम करके दिखाए दोस्तों। उम्मीद है कि आपको जो भी जानकारी वो 100% जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो गया होगा। साथ ही अगर किसी प्रकार का परेशानी हो तो
आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही बता दोस्तों कि बहुत से दोस्त लोग परेशान रहते हैं, सर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया किसी भी, और ऑफर लेटर भी जमा किए नाम नहीं आया, तो मेरा प्राइवेट से कब तक यहाँ पे एडमिशन होगा। तो उसके लिए अगर किसी प्रकार का अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल आपको वेट करना होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर। धन्यवाद।